वो ये था कि 1999 में हम एक एल्बम बना रहे मेक कर रहे थे उसकी, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था उसका नाम था मन की लगन, लागी तुमसे मन की लगन। तो अनफॉर्चुनेटली उस एल्बम के साथ कुछ मिसअप ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो ओनर थे, उस कंपनी जो उसको लॉन्च कर रही थी, उनके वो नागानी डेथ हो गई, तो ये एल्बम थोड़ा लेट हो गया। तो 2001 में पूजा भट्ट जी जब कराची आई हैं, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान का कुछ म्यूजिक सुना, तो उसमें ये गाना भी था। फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया कि ये मैं गाना जो है वो मेरी किसी भी सिचुएशन पे शायद फिट बैठ रहा है, मुझे इसका जो म्यूजिक है वो नया लग रहा है, तो क्या मैं ये इसको यूज कर सकती हूँ। फिर हमारी परमिशन के साथ उन्होंने वहां पे उसको यूज किया। आई मीन के मेरे जहन में कुछ ऐसा कुछ खाका था नहीं। फिर हमने अपनी मेहनत के साथ काम किया, गाना नहीं भी कई गाने सुपरहिट नहीं हुए, मगर उसमें मेहनत बहुत ज्यादा की। तो ये चीज अकाउंट होती है कि कितना सीरियस अपने काम को लिया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, मगर वो अभी वो टाइम के इंतजार में है, अपने वक्त के इंतजार में। आपको आपके इंस्पिरेशन कहाँ से मिलते हैं? उस्ताद मुस्तफा अली खान साहब से। उनके कुछ यादें हैं आपके पास? बहुत जबरदस्त यादें हैं। अब मैं मतलब पूरे मतलब बचपन से लेके अभी तक, जब तक वो फौत नहीं हुए थे तब तक साथ ही रहे हैं, तो बहुत सारी ढेर सारी यादें होंगी। अब थोड़ा चेंज हुआ है, तब हम रेस्ट ज्यादा करते थे, अब रेस्ट नहीं मिलता। जब मैं उस्ताद मुस्तफा अली खान साहब के साथ यहाँ पे 12 साल का था, मैं यहाँ पे आया तो बापू मुरारी जी उनके शो पर आए थे, तो उन्होंने उनको सुना और फिर खास तौर पे मुझे आके स्टेज पे आए और उन्होंने खास तौर पे मुझे गले से लगाया। तो ये एक मेरे साथ बड़े काफी दिनों से ये होता आ रहा है, तो सब गले ले आते, सब गले ले आते। पढ़ते नहीं है गले। और मुरारी बापू ने पूछा नहीं कि गुजराती गाना कुछ गाओ? मैंने जब उन्होंने हमें खास तौर पे बुलाया था मावा में, उनका एक है जगह है जहाँ पे वो होते हैं, मावा में हमने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया उनके आश्रम में, तो उन्होंने बहुत पसंद किया, बहुत सांसों की माला सुनी, फिर कुतुब में गोर्ग धंधा हो सुनी, अल्लाह अल्लाह सुनी। ये चीजें हैं जो सब सबको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम लोग किस भेदभाव में, जात पात के भेदभाव में बंध के रह गए हैं। हालांकि आजकल वो दौर नहीं रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक।